श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 3 अक्टूबर 2022 का दिन है, रात के 11:50 हो रहे हैं और आप लोगों की बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही हैं मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए, और एक नहीं दो वीडियोस के लिए आ रही हैं। तो एक एक करके ये दोनों वीडियो आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, जी हाँ श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, ये QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके ज्वाइन करें। नहीं तो इस वीडियो के लिंक में, वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन करें। या तो इस QR कोड को स्कैन कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से ज्वाइन करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब आपके पास पहुंचते रहें और कोई भी आपसे मिस ना हो, आपसे गलती ना हो, कोई ट्रेड ना छूटे, कोई इवेंट ना छूटे, कोई अपडेट ना छूटे। अब क्या वीडियो है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सोने में ये आग क्यों लगी है, 1000 पॉइंट की तेजी। जी हाँ, ये देखिए 1000 पॉइंट की तेजी हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने के लिए मिली है आज सिंगल डे के अंदर। बहुत दिन के बाद ये होता हुआ दिखाई दिया है, इस तरह की तेजी, इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की कैंडल बहुत दिन बाद हमें सोने में बनते हुए दिखाई दिए, सोने और चांदी दोनों में। तो पहले सोने में बात करेंगे फिर चांदी में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं चार्ट पर कि क्या अभी क्लोजिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग है वो 51,160-170 के आसपास होती दिखी है। तो लगभग 950,000 पॉइंट की तेजी हमें इंट्राडे में देखने के लिए मिली। अगर हम न्यूज फ्रंट पे बात करें तो कुछ आज रशिया की तरफ से न्यूज आई थी कि उसने कुछ परमाणु टेस्टिंग करी है यूक्रेन के जो सीमाएं हैं उसके पास, और ये वो नाटो देशों को ये संदेश देना चाहता है कि हम केवल धमकी नहीं दे रहे हैं बल्कि हम परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। ये एक नए तरीके की चिंता पूरे विश्व को गई है। चार शहरों पर डिक्री साइन कर दी थी पुतिन ने वीकेंड में, जिनसे कि फिर से एक विवाद पैदा हो गया। अमेरिका ने मानने के लिए इनकार कर दिया, बाकी देशों ने भी मानने के लिए इनकार कर दिया, तो कुछ टेंशन सेलिब्रेट होते हुए दिखाई दी। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि 50,100 के ऊपर गोल्ड ने सस्टेन किया, 50,100 के ऊपर गोल्ड सस्टेन करता हुआ नजर आया, उससे भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। आप इस कैंडल पे अगर गौर करेंगे, ये वाली कैंडल पे अगर आप गौर करेंगे तो ये 50,100 के ऊपर हमें कंसिस्टेंट सस्टेन होते हुए दिखी और पूरे दिन गोल्ड कंसोलिडेशन में रहा है। देखिए आप इन कैंडल्स पे गौर करिए, पूरे दिन गोल्ड कंसोलिडेशन में रहा है। लास्ट की 3-4 कैंडल में आपको ये तेजी आते हुए दिखाई दी। 1670 के ऊपर सस्टेन होने के बाद हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड प्राइसेस में तेजी ही आते हुए दिखाई दी। जी हाँ, 1670 के ऊपर सस्टेन किया, वहां पर भी गोल्ड में तेजी आते हुए दिखी और 1705-1706 का हाई सोने ने लगाया। मैं आपको अगर लेकर चलूं तो ये है चार्ट, इसको आप जरा देखिए। इसमें आप देखेंगे कि गोल्ड में जो हाई लगाया है वो 1706 डॉलर का लगाया, और थोड़ा पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वहां पर गोल्ड चल रहा है। अब क्या है, ये अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास चल रहा है 51,200 इंडियन मार्केट में, और 1706-1708-1710 ये इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह है। अगर मार्केट ने यहां होल्ड कर लिया तो आप ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि यहां से हमें वापस ये तेजी खत्म होते दिखेगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप यहां पर सेल करें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मार्केट ने इन लेवल्स को होल्ड किया तो हमें एक रिट्रेसमेंट, एक डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, जो कम से कम मार्केट को वापस 1670 के आसपास 1670 तक
लेकर आ सकता है। एक तो सिचुएशन ये हो गई, दूसरी सिचुएशन जो सेकंड सिचुएशन है, जो एक और पॉसिबल आउटकम है कि अगर मार्केट ने 1708 को निकाल लिया, 1708 को निकाल लिया, तो फिर मार्केट कम से कम 25 से 30 डॉलर और मूव कर जाएगी, यानी इंडियन मार्केट में 400 से 600 रुपए की और अपसाइड हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चार्ट पैटर्न कुछ कुछ बन रहा है, और यहां पर जहां पहले मार्केट रेजिस्टेंस लेती थी, सॉरी जहां सपोर्ट लेती थी, अब वो एक जगह है जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है और अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रही है। देखिए ये पूरे जोन को देखिए और समझिए, देखिए ये बार बार 51200 से 51400 को समझने की कोशिश करिए, बार बार मार्केट वहां से वापसी देती है, और मुझे लगता है इट कैन बी पॉसिबल दैट मार्केट एक बार फिर इन लेवल्स को होल्ड करे 51200 यानी 51200 से 51400। बहुत क्रूशियल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत जान ध्यान देने वाला लेवल है सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी, और यही वजह है कि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो मुझे आपके लिए पोस्ट जरूर करना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक करिए, अगर ये अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करिए, और 51200 से 51400 को एक जोन के रूप में याद रखिए, एक सप्लाई जोन के रूप में याद रखिए। अगर मार्केट को वहां पर रेजिस्टेंस मिलता है, अगर मार्केट वहां पर होल्ड करती है, तो वहां से हमें एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सेलिंग में फंसे हुए हैं, आपने नीचे से सेलिंग कर रखी है, तो उन रेट्स के आसपास आप एवरेज करने की सोच सकते हैं। 51450 550 को अगर मार्केट क्रॉस कर देती है, उसके ऊपर निकल जाती है, तो फिर ये रैली फर्दर 52000 की तरफ चली जाएगी। जी हां, 51450 500 को निकाल लेती है तो ये रैली 52000 के पास चली जाएगी, बट अभी मुझे 52100-200 के ऊपर मार्केट दिखाई नहीं देती है जाते हुए। तो थोड़ा कॉशियस होके, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ी सारी चीजों को जान के ट्रेड करिए। कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल नहीं है कि केवल पॉजिटिव है, यहां से हमें 3-4 कैंडल्स पॉजिटिव देखने के लिए मिली हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स में ऑलरेडी गोल्ड ओवरबॉट हो चुका है, तो बहुत कॉशियस रहना है। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर बाइंग दो वजहों से अवॉइड की जा सकती है। एक तो मार्केट ओवरबॉट है, गोल्ड ओवरबॉट है, शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है, और दूसरा रीजन है कि रेजिस्टेंस के पास है, और ये दोनों ही एक कारक हो सकते हैं यहां मार्केट के गिरावट के, यानी कि पुल बैक के, यानी कि जो रिट्रेसमेंट की संभावनाएं हैं उसके लिए। तो मेरा सजेशन है वेट एंड वॉच, फ्रेश बाइंग अवॉइड करिए। सेलिंग करना चाहते हैं तो ये जोन का ध्यान रखिए, फंसे हुए हैं एवरेजिंग करना चाहते हैं तो इस जोन का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपना प्यार दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो गोल्ड में फंसे हुए हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।